पेमेंट आइटम क्या है लेट से हम एक एन्वाइस क्रिएट करते हैं जिसमें हमें कस्टमर कुछ पार्शल पेमेंट भी कर रहा है तो हम इस चीज़ को एनवाइस पे शो करना चाहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल एन्वाइस की वैल्यू है फिफ्टी थाउजेंड कस्टमर अभी हमें टेन थाउजेंड पे कर रहा है तो बैलेंस जो फोर्टी थाउजेंड होगा वो उससे रिसीवेबल रह जाएगा हमारा तो हम इस टेन थाउजेंड को एनवाइस पे शो करना चाहते हैं और उतने से एनवाइस की टोटल वैल्यू भी कम करना चाहते हैं इसके लिए हम एक आइटम क्रिएट करेंगे पेमेंट आइटम इसको मैं नाम देता हूँ पेमेंट लेट्स से पेमेंट इन कैश है पेमेंट मेथड हम यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं कैश इस लिस्ट को आप एडिट भी कर सकते हैं आगे चल के जब हम बैंकिंग मेड्यूल में इसको इंटेंसिवली यूज़ कर रहे होंगे तो वहाँ पे हम सीखेंगे इसको कैसे एडिट करते हैं ग्रुप विद अदर अनडिपोजिटेड फंड्स आर डिपोजिट टू ये दो ऑप्शन बहुत केयरफुली आपको चूज करने की ज़रूरत है अगर तो आपका छोटा सा सेटअप है और आप अपने सेल्स कैश और पैटी कैश में डिफ्रेंशिएट नहीं करते तब तो आपके लिए ये डिपोजिट टू वाला ऑप्शन ठीक है इससे क्या होगा जो ही आपकी से जब आप, आप सेल्स की एंट्री रिकॉर्ड करते हैं अनवाइस आप सेव करेंगे साथ में जो आपने टेन थाउजेंड कैश इस एग्जांपल में जो आपने कहा वह आपका इस वाले जाके लेजर में डिपॉजिट हो जाएगा बैक एंड पे वो एंट्री भी रिकॉर्ड हो जाएगी और आपका पैटी कैश टेन थाउजेंड से बढ़ जाएगा ये वाला ऑप्शन ओनली एक छोटे सेटअप में फिजिबल है बड़े सेटअप में आप इसको यूज करेंगे तो बहुत सारे मसले होंगे जो बेस्ट ऑप्शन है इसके लिए वो है ग्रुप विद अदर अनडिपोजिटेड फंड्स इसमें क्या होता है क्विक बुक्स एक लेजर क्रिएट कर लेता है चार्ट ऑफ अकाउंट्स में और जो भी आपकी सारा दिन की कलेक्शन होती है सेल्स की उसको एक अनडिपोजिटेड फंड्स में ट्रांसफ़र करता रहता है तो एट द डे एंड हम उसको अपने किसी भी बैंक बैंक के लेजर में या कैश के लेजर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं बैंकिंग में जाके मेक डिपॉजिट का ऑप्शन यूज़ करते हुए जब हम इस ऑप्शन के जरिए उसको डिपॉजिट कर लेंगे तो हमारा ये जो अनडिपॉजिटेड फंड्स वाला लेजर होगा ये कम हो जाएगा और वही पेमेंट हमारे बैंक या कैश के लेजर में ट्रांसफर हो चुकी हुई होगी इसको हम सेव कर लेते हैं इस तरह हमारे पास एक आइटम क्रिएट हो चुकी हुई है पेमेंट इन कैश के नाम से तो हम देखते हैं एनवाइस में ये किस तरह शो होगी एनवाइस में जाते हैं ये सब टोटल की आइटम हमने ऑलरेडी यूज़ की थी वो एनवाइस मेरी सेल इन ड्राफ्ट मूड में पड़ी थी यहाँ पे हम सेल्स कस्टमर को डिस्काउंट भी देते हैं टेन परसेंट का ठीक है ये परसेंटेज अभी मैं यहाँ से दोबारा फिर चेंज कर सकता हूँ ये डिस्क्रिप्शन भी देन हमें इस कस्टमर से पेमेंट मिली है लेट्स से इसने टेन थाउजेंड हमें पे किया तो फर्दर टाइम बीइंग मैं कोई अमाउंट लिखता हूँ क्योंकि हमारे पास ऊपर अभी कोई आइटम्स नहीं है मैं अज्यूम करता हूँ कि हमने फिफ्टी थाउजेंड की इसको टोटल सेल की है तो सब टोटल अगर हम यहाँ पे देखेंगे आइटम्स की क्वांटिटी में वन शो होने लायक है क्योंकि कोई भी आइटम नहीं थे तो एटलीस्ट सिस्टम ने ऑटोमेटिकली वन साइन किया कि फिफ्टी थाउजेंड में कुछ तो है देन सब टोटल ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ चुका होगा इसको मैटर नहीं कर सकते कुछ भी हमने डिस्काउंट दिया टेन परसेंट जिसका फाइव थाउजेंड ऑलरेडी नेगेटिव हो चुका होगा देन पेमेंट इन कैश टेन थाउजेंड जो हमें आई टोटल वैल्यू थर्टी फाइव थाउजेंड रहेगी आई होप यू गॉट अ बेसिक आइडिया अबाट दीज थिंग्स आगे चल के जब हम इनवाइस क्रिएट कर रहे होंगे तो हम इन चीज़ों को इंटेंसिवली यूज़ करेंगे तो आपकी फुल प्रैक्टिस हो जाएगी